हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को एक और नई सर्विस के बारे में जो सीएससी ने जारी की है। हालांकि शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बहुत ही वाहियात, बहुत ही घटिया और रद्दी सर्विस है ये। कमीशन तो बहुत कम है ही, साथ ही साथ वीएलई भाइयों के लिए इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसीलिए जब भी आप कोई सर्विस शुरू करते हैं सीएससी के अंतर्गत, तो आपको हमेशा उससे जुड़े हुए फ़ायदे, नुकसान, साथ ही साथ उसका वीएलई का क्या कमीशन मिलेगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद ही आपको उस सर्विस पे काम करना चाहिए। तो मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाऊंगी इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो दूसरों तक पहुँचाने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या है ये सर्विस। तो सर्विस है महिंद्रा फाइनेंस की और इसके अंदर ईएमआई कलेक्शन की बात कर रही है सीएससी। अब जैसा कि मैं आप लोगों को बोल रही थी कि बहुत ही घटिया और बहुत ही वाहियात सर्विस है ये, तो चाहे वो महिंद्रा फाइनेंस का ईएमआई कलेक्शन का सिस्टम हो या फिर एचडीएफसी का जो ईएमआई का कलेक्शन है या जो भी ईएमआई कलेक्शन सर्विसेज सीएससी ऑफर कर रही हैं, इस पे पहली बात रिस्क बहुत ज़्यादा है और दूसरी बात जो कमीशन दिया जा रहा है वो काफ़ी कम है। क्यों मैं ऐसा बता रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको कमीशन स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ इसके अंदर क्या है, और कमीशन स्ट्रक्चर को आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि इसके अंदर TDS, GST वगैरह भी हैं और बहुत ही कंफ्यूजिंग वे में यहाँ पे इसके बारे में बताया गया, इसलिए मैं इसको इन डिटेल समझाऊंगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब भी आप कोई पेमेंट करेंगे तो आपके डिजिटल वैलेट से, यानी जो हमारा जो वैलेट है उससे ही पैसे कटेंगे और उसके थ्रू ईएमआई का पेमेंट होगा और उसके बदले में आपको कस्टमर से पैसे ले लेने का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो ये यहाँ तक तो चीज़ें ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कमीशन की बात की जा रही है वो बताया जा रहा है, कमीशन टू वीएलई सीएससी चैनल विल गेट ₹50 एज कमीशन टुवर्ड्स कलेक्शन ऑफ एवरी ईएमआई ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे अमाउंट जितना भी हो जो सीएससी चैनल है उसको ₹50 का कमीशन मिलेगा, लेकिन इसमें वीएलई को कितना मिलेगा यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर ईएमआई अमाउंट ₹5,000 हैं तो टोटल ₹50 कमीशन मिलेंगे, जिसमें कि सीएससी को ₹10 कमीशन मिल जाता है और वीएलई भाइयों को ₹40। तो ये कम्प्लीटली ₹40 नहीं होगा, इसमें से जीएसटी भी डिडक्ट होगा, यानी जीएसटी पेएबल होगा और टीडीएस भी डिडक्ट होगा। तो आप समझ लीजिए कि ये तकरीबन कुछ आपको ₹40 का, कुछ 30-32 रुपीज़ के आसपास का अमाउंट आपको मिलेगा। और अगर ₹10,000 का भी ईएमआई है तो भी सेम अमाउंट मिलता है, ₹25,000 का है तो भी सेम अमाउंट मिलता है। इनफैक्ट अगर ₹50,000 तक का भी ईएमआई अगर कोई पे करता है तो भी आपको सेम अमाउंट मिलता है। रिस्क इसमें इतना ज़्यादा होगा, आप अपने वैलेट से पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, बाई चांस अगर वो पैसे नहीं जाते हैं या फिर जब आप पैसे पुल करते हैं अपने अकाउंट में अपने वैलेट को, उस टाइम अगर पैसे फंस जाते हैं 50,000 जैसा बड़ा अमाउंट, तब आप क्या करेंगे, जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है सीएससी के अंदर। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर पेमेंट किसी वजह से डिले हो जाती है, बैंक तक नहीं पहुँचती है या फिर एग्जैक्ट ड्यू डेट पर आप पेमेंट करते हैं और कस्टमर को लेट फाइन लग जाता है किसी टेक्निकल एरर की वजह से या फिर पेमेंट जो क्रेडिट होती है वो लेट होने की वजह से, तो कस्टमर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, बहुत ज़्यादा आपको कोसेगा, क्योंकि उसको एक तो लेट फी पेमेंट भी देना पड़ेगा और दूसरी बात ये कि उसका सिबिल स्कोर भी खराब होगा इसकी वजह से। तो ये जो ईएमआई कलेक्शन का पूरा सिस्टम होता है ये ऑलरेडी बहुत रिस्की होता है, इसमें बहुत सारा इसमें जोखिम जुड़ा हुआ होता है और सिर्फ 30-40 रुपए जैसे अमाउंट के लिए ईएमआई कलेक्ट करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। अगर आप लोग किसी भी बैंक से जुड़े हुए सीएससी के थ्रू ईएमआई कलेक्शन कर रहे हैं तो आपको इसके ऊपर दोबारा ध्यान देने की ज़रूरत है, दोबारा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। और मैं पर्सनली इस चीज़ को कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इस तरह के सर्विसेज पे काम करें। आपका क्या फीडबैक है, आपका क्या इसके ऊपर राय है, वो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि इससे दूसरे वीएलई भाइयों को भी फायदा हो सके। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।